नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए चलिए चलो चलो बेटा वीणा, जय हो बेटा वीणा, जय हो बेटा। बच्चे पुराने जो नहीं आ पाते थे इस 45-46 दिन में, उन्होंने और हमने उनके साथ मिलकर रियाज कर लिया। ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं सारे बच्चे। जीवन की महत्वपूर्ण समस्याएं होती हैं, काम काज सब अपने अपने कामों में लगे हैं। कर चुके होंगे वो जो गायकी के लिए हमने चालू किया है। जब किसी राग को शुरू करते हैं उसको शुरू करने के लिए कैसे शुरू करना चाहिए, भैरव की भैरव को हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप एक वीडियो अपने स्वर संस्कार पेज पर डाला था कि जब राग गाते हैं तो स्वरों को कैसे टच करके गाया जाता है। हम जो रियाज कर रहे हैं, आप जो सुबह रियाज करने बैठ रहे हैं, जो हमने रियाज किया है 41 दिन, तो उसमें हमने सीधे स्वरों का इस्तेमाल करते हुए स्वरों का अभ्यास किया है। लेकिन जब आप राग गाते हैं तो उसमें कर्ण स्वर बाकी सारी चीजों का ध्यान रखकर उस राग का विस्तार किया जाता है। तो सीधा नी नहीं लगाना है आपको, सा का कण है ये। देखिएगा मैंने स्वर संस्कार पर डाला है कैसे राग में कर्ण स्वरों का इस्तेमाल करके राग बनता है। उन्होंने अलग राग बताए हैं, लेकिन हम बैरा की भैरव में करना हो तो कैसे करेंगे उसको। बिल्कुल आप स्टेज पर गाने के लिए बैठे हैं और आपको अपना गाना शुरू करना है। अब आप शुरू कर रहे हैं राग विस्तार, राग बताना चाह रहे हैं अपने आप को और साथ में लोगों को। हर बार लगाया जाए वो सा का कण, जरूरी नहीं हमेशा लगाए आप, सीधा रखो फिर उसके बाद।
सेकंड में राग सामने खड़ा हो जाता है आपका। Ah.
उसको अपने पास रखा कि सही कर रहे थे, चलता रहता नहीं हो पा। क्यों पूरा हटाना पड़ेगा, पूरा मतलब वापस से हटाना पड़ेगा, पूरा डिलीट करना पड़ेगा। मुझे वो मैसेज नहीं दिख पा रहे हैं, अब हम कुछ जैसे गाने पर फोकस करके गाते हैं। मा पर नी पा मैसेज नहीं आते हैं, पता नहीं लोग उसका अर्थ क्या लगाते हैं कि सर ने हमको देखा ही नहीं, हमको नमस्कार ही नहीं किया। इसलिए दो तीन दिन से मैं लगातार कह रहा हूँ कि जो भी लोग आ रहे हैं, जो जिनका मेरा जैसे जैसे अधिकार है, उन सबको वैसे वैसे नमस्कार प्रणाम और उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। सारे नीनी पानी नी पानी नी पा मरे मरे सा नी सा नीनी
बानी बानी पमरे मरे सानी सानी बानी बानी पमरे मरे सानी नी बानी बानी पमरे मरे सानी सानी बानी बानी पमरे मरे नी बानी बानी पमरे मरे सानी सानी बानी बानी पमरे मरे सानी नमस्ते विद्याताई नी बानी बानी पमरे मरे आकार पल्ले मिला दीजिए दो निषाद के एक सरस का सारे मा बानी नी पमरे मरे सानी रे सा नीनी बानी नी पमरे मरे सानी सारे मा बानी सानी परे मरे सानी फिर चलो सारे मा बानी नी पमरे मरे सानी नीनी बानी नी पमरे मरे सानी सारे मा बानी सानी परे मरे सानी फिर चलो सारे मा बानी नी पमरे मरे सानी 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 पमा चलो सानी 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 पमरे मरे मरे सानी पमरे मरे दोनों वो नीचे के पोर्शन याद रखिए एक बार वो ऐसा उसका बैलेंस जमाइए तो आपको फिर जब आप गाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में आपके मन की पहले एक कल्पना फिक्स करिए फिर बाद में अपनी कल्पनाओं को साकार करिए चालू करो फिर से सारे मा बानी पमरे मरे सानी रे सा नीनी बानी पमरे मरे सानी सारे मा बानी सानी परे मरे सानी रे सा सानी 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 पमरे मा पमरे मरे सा चलो फिर से सारे मा बानी पमरे गाइए नमस्ते बेटा ओम नीनी बानी पमरे मरे सारे मा बानी सानी परे मरे सानी 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 पमरे मरे गर्मी पड़ गई है ग्वालियर में चलो फिर से एक बार सा
नी प म रे म रे झ का क्या था मा प नी झ रे रे झ नी प म रे झ फिर से मा प नी झ रे रे झ नी रे म रे झ नी नी झ मा प नी झ रे रे झ नी रे म रे झ नी रे झ मा प नी झ रे रे झ नी रे म रे झ फिर से मा प नी झ रे रे झ नी रे म रे झ नी रे झ मा प नी झ रे रे झ नी रे म रे झ फिर से मा प नी झ रे रे झ नी रे म रे झ फिर से मा प नी झ रे रे झ नी रे म रे झ। अब चार पल दो पल्ले निषाद के दो षड्ज के और एक ऋषभ का हो गया, चालू करो। सारे मा प नी नी प म रे म रे झ नी रे झ नी नी प नी नी प नी नी प म रे झ नी सारे मा प नी झ नी प रे म रे झ नी झ सा नी सा नी सा नी प म रे म प म रे म रे झ मा प नी झ रे रे झ नी रे म रे झ नी रे झ सारे मा प नी नी प म रे म रे झ नी झ नी नी प नी नी प नी नी प म रे म रे झ सारे मा प नी झ नी प रे म रे झ नी रे झ सा नी सा नी सा नी प म रे म प म रे म रे मा प नी झ रे रे झ नी रे म रे झ नी रे झ सारे मा प नी नी प म रे म रे झ नी रे झ नी नी प नी नी प नी नी प म रे म रे झ सारे मा प नी झ नी प रे म रे झ नी रे झ सा नी सा नी सा नी प म रे म प म रे म रे झ मा प नी झ रे रे झ नी रे म रे झ नी रे झ आगे बढ़ो। रे रे सा रे रे सा रे रे सा नी प म रे म रे सा चलो फिर से रे रे सा रे रे सा रे रे सा नी प म रे म रे सा रे रे सा रे रे सा रे रे सा नी प म रे म रे 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 सा रे रे सा रे रे सा नी प म रे म रे सा रे रे सा रे रे सा रे रे सा नी प म रे म रे 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 सा रे रे सा रे रे सा नी प म रे म रे 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 सा रे रे सा रे रे सा नी प म रे म रे 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 सा रे रे सा रे रे सा नी प म आकार क्या दो पल्लों में एक पल्ला आरोह का है तान का और एक अवरोह का है, दो पल्ले निषाद के दो पल्ले षड्ज के और दो पल्ले ऋषभ के, ऐसे छह आपके पास में टुकड़े हो गए, चालू करो। सारे मा प नी नी प म रे म रे नमस्ते विनीत जी। नी नी प नी नी प नी नी प म रे म रे झ नी सारे मा प नी झ नी प रे म रे झ नी झ सा नी सा नी सा नी प म रे म प म रे म रे झ मा प नी झ रे रे झ नी रे म रे झ नी रे झ रे रे झ रे रे झ रे रे झ नी प म रे म रे सारे मा प नी नी प म रे झ नी झ नी नी प नी नी प नी नी प म रे म रे झ सारे मा प नी झ नी प रे म रे झ सा नी सा नी सा नी प म रे म प म रे म रे मा प नी झ रे रे झ नी रे म रे झ नी रे झ रे रे झ रे रे झ रे रे झ नी प म रे म रे झ। थोड़ी सी इसकी स्पीड कम कर लेते हैं, अभी एकदम दिमाग में बैठा नहीं है, चालू करो। सारे मा प नी नी प म रे म रे सा नी रे सा नी नी प नी नी प नी नी प म रे सा नी सा सारे मा प नी सा नी प रे म रे सा नी रे सा रे रे सा नी सा नी सा नी प म रे म प म रे म रे सा मा प नी सा रे रे सा नी रे म रे सा नी रे सा रे रे सा रे रे सा रे रे सा नी प म रे म रे सा। कुछ चीजें दिमाग में ऐसी बैठी रहती है, वो उसको निकालने में टाइम लगता है। कल का हमारे असलम भाई की क्या 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 क्या, क्या नज़ाकत, क्या भाव से, क्या दर्द की, क्या जीवन जीने की बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन शायरियाँ सुनाई हैं। लेकिन जो सबसे खास बात मुझे लगी कि आप देखिए कि वो अपनी शायरी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनकी उन्होंने अपनी इबादत का समय बदल दिया। मतलब उन्होंने खुदा से कहा कि नहीं, मेरे लिए मेरा मैं जो शायरी पढ़ने मुझे जाना है, मैं अपने जो मेरा काम है वो लोगों से अपनी बात के, लोगों ने मुझे प्रेम से बुलाया है तो मुझे वहाँ जाना ही होगा। तो वो खुदा, वो ईश्वर जो होता है, जो काम करने वाले से इतना 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 प्रेमी होता है, वो इतने, मैं कह रहा हूँ, दाने डालता है वो। तो वो दाने डाले उन्होंने कि क्या कर सकते हो तुम, लेकिन उन्होंने कहा कि वो शायरी मेरी इबादत है, मेरी आत्मा है, मेरा सब कुछ है, और लोगों ने मुझे, और लोग प्रेम का मैं भूखा हूँ। आपने अनुभव किया होगा कल जिन लोगों ने कि वो कितने 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 प्रेमी, कितने स्नेही हैं, कितने अपनों से स्नेह करते हैं। तो वो जो खुदा है, वो जो जिसको हम ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, जो भी कहते हैं, जो ताकत कहते हैं, उनकी शायरी के बीच में वो खुद आ गए उनके पास में। अगर आपने उस
कल की शायरी का अनुभव लिया होगा, तो एक टाइम ऐसा आया था जब पीछे अजान चल रही थी और सामने हमारे असलम भाई जो है वो भावों से भरे हुए, स्नेह से भरे हुए, दर्द से डूबा हुआ आदमी, ईश्वर उसके पास खुद चलकर आ गया था कि लो तुम नहीं कह पा आ पा रहे हो, तुम नहीं कह पा रहे हो, मैं प्रार्थना के रूप में तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तो आप कल का अगर सुनेंगे तो वो अजान उनके पीछे चल रही, वो अपनी रोज की जो उनकी जो जो पढ़ते हैं वो जो टाइम फिक्स है, उन्होंने वो टाइम चेंज करके हमारे लिए कल हमारे बीच में आ गए थे। आनंद बाबू, वीणा, कहाँ हो तुम, क्या तुमने अनुभव किया इस बात का कि उन्होंने हमारे कहने पर अपनी भगवान की पूजा छोड़ दी कि मैं मेरे स्नेही लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे जाना ही होगा। तो ईश्वर ने अपने दाने वापस ले लिए और वो खुद अजान के रूप में उस टाइम पर उनके साथ में आ गए। जय असलम भाई, बहुत 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 स्नेह के साथ में आपको, बहुत बहुत स्नेह के साथ ईश्वर की और अल्लाह की आपके ऊपर बड़ी मेहरबानी है। चाहे कितने भी दर्द हमारे बीच में अंदर हो, लेकिन ईश्वर हमारे साथ रहता है और वो हर टाइम, आप अपने काम से अगर प्यार करते हैं तो वो हर समय आपके साथ में रहता है। आप उसकी पूजा करें समय पर, निश्चित समय पर, या ना करें, वो अजान के रूप में, वो ओम के रूप में हमारे साथ रहता है। तो बैरागी भैरव ऐसे ही भावों का राग है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि मुझे एक दिन अचानक ही ऐसे अच्छे 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 लोगों के दर्शन हो गए आपके सौजन्य से। चलो, तान बनाने का मैंने आपको पैटर्न बताया है, आरोह और अवरोह, और वेरिएशन हो सकती है, लेकिन पहले आप ये बेस बनाइए कि हम तानों को इस ढंग से पहले गाएंगे। जब आप कुछ सालों तक आप गाते रहेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि वो आपके सामने उसके उस राग के उस तानों के नई नई वेरिएशन आ जाएगी, लेकिन पहले एक आपको एक कच्ची सड़क बनानी पड़ेगी। चालू करो। सारे मा प नी नी प म रे म रे सा नी रे सा नी नी प नी नी प नी नी प म रे म रे सा नी सारे मा प नी सा नी प रे म रे सा नी रे सा नी सा नी सा नी प म रे म प म रे म रे मा प नी सा रे रे सा नी रे म रे सा नी रे 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 सा रे रे सा रे रे सा नी प म रे म रे सा। ये बात है। फिर हमने उसके बाद मध्यम की तान बनाई थी, क्या हुआ, गड़बड़ हो गया, फिर गा लो यार, थोड़े कंफ्यूज हो गए, फिर गा लीजिए इस तान को पूरे छह पल्ले को, निषाद, षड्ग और ऋषभ। चालू करो। सारे मा प नी नी प म रे म रे सा नी रे सा नी नी प नी नी प नी नी प म रे सा नी सा सारे मा प नी सा नी प रे म रे सा नी रे सा नी सा नी प म रे म प म रे म रे सा सा नी सा नी सा नी प म रे म प म रे मा प नी सा रे रे सा नी रे म रे सा नी रे सा रे रे सा रे रे सा रे रे सा नी प म रे म रे सा। ये बात है, रे म रे सा नी सा नहीं है, फिर से रे रे सा रे रे सा नी प म रे म रे सा। ये बात है, क्या बात है सौरभ भाई, जय हो। बात धर्म की, बात केवल भावनाओं की है। अगर आप चाहते हैं तो वो आपके साथ में आ जाएगा, वो दाने डालेगा, लेकिन अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो वो उसको मजबूरन आप अपने दाने लौटाकर आपके हुजूरी में आना पड़ेगा। क्या कहने की बात है। चलिए शुरू करो, एक बार और गाइए। सारे मा प नी नी प म रे म रे सा नी रे सा नी नी प नी नी प म रे म रे सा नी सारे मा प नी सा नी प रे म रे सा नी रे सा नी सा नी सा नी प म रे म। क्या कहने की बात है। मा प नी सा रे रे सा नी रे म रे सा नी रे सा रे रे सा रे रे सा रे रे सा नी प म रे म रे सा। ये बात, चलो शुरू। सारे मा प नी सा रे म रे सा नी प म रे सा सारे मा प नी सा रे म रे सा नी प म रे सा सारे मा प नी सा रे म रे सा नी प म रे सा सारे मा प नी सा रे म रे सा नी प म रे सा सारे मा प नी सा रे म रे सा नी प म रे सा मा प नी सा रे म रे सा नी प म रे सा सारे मा प नी सा रे म रे सा नी प म रे सा। मध्यम से षड्ज से लीजिए, चलो प से ली सकती हैं। सारे मा प नी सा रे म रे सा नी प म रे सा। अब अवरोह की तान मध्यम की। रे म सा रे नी सा प नी मा प रे म सा रे नी सा। चालू करो। रे म सा रे नी सा प नी मा प रे म सा रे नी सा। फिर चलो। रे म सा रे नी सा प नी मा प रे म सा रे नी सा। फिर से। रे म सा रे नी सा प नी मा प रे म सा रे नी सा। आठ तान अगर आप मिला देंगे तो एक पलटा तैयार हो जाएगा, और यही पलटा
आपके छोटे ख्याल की छोटी तानों के लिए इस्तेमाल होगा। हमेशा सिस्टमेटिक चलिए, तान शुरू करिए छोटे छोटे तानों से, बड़ी ताने नहीं चाहिए होती। और एक रास्ता बना लीजिए, उस रास्ते को घोटते रहिए, तो आपको अपने आप कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद अपने आप फिर उसके नए रास्ते बनाने आ जाएंगे। चालू करिए पूरी की पूरी जो हमने ताने ली हुई है, पूरे आठ तानों का एक पलटा। लय थोड़ी कम रख लो, जिनको जो नए जुड़े हुए होंगे, जिनको प्रॉब्लम आ रही होगी उनको जम जाएगा। सारे मापा नी नी पा मरे मरे सारे नी नी बा नी नी बा नी नी बा मरे मरे सारे सारे मापा नी सारे पा नी मरे सारे 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 पा मरे मापा मरे ये बात है। मापा नी सारे रे सारे रे मरे सारे रे 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 सारे रे सारे रे सारे पा मरे मरे सारे। नमस्ते राजन जी। रे रे सा रे रे सा रे रे सा नी पा मरे मरे सा रे मा पा नी सा रे मा। याद करिए, याद नहीं हुआ यार, गाइए इसके साथ में आपको याद हो जाएगा। सा रे नी सा पा नी मा पा रे मा सा रे। और जब भी गलती हो जाए कोई बीच में टुकड़े में, तो आप उसको वहां मत सुधारो, उसको वहां सुधार के फिर उसको स्टार्टिंग से गाया करो। वो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में वो सिस्टम समझ में आ जाएगा और आपके दिमाग को याद होगा। चालू करो। सा रे मा पा नी नी पा मा रे मा रे फिर से गाओ। रे मा सा रे नी सा पा नी मा पा रे मा सा रे। फिर चालू करो। सा रे मा पा नी नी पा मा रे मा रे सा नी रे सा नी नी पा नी नी पा नी नी पा मा रे मा रे सा रे सा रे मा पा नी सा नी पा रे मा रे सा नी रे सा नी सा नी पा मा रे मा पा मा रे मा रे सा मा पा नी सा रे रे सा नी रे मा रे सा। क्या कहने की बात। रे रे सा रे रे सा रे रे सा नी पा मा रे मा रे सा रे मा पा नी सा रे मा रे सा नी पा मा रे सा रे मा सा रे नी सा पा नी मा पा रे मा सा रे नी सा। हाँ, बड़ी तान क्या ली थी। सा रे सा मा रे मा रे पा मा पा मा नी पा नी पा सा नी सारे सा मा नी सा नी रे पा नी पा सा मा पा मा नी रे मा रे पा सारे सामा नहीं था लास्ट में। फिर चालू करो। सारे सामा रे मारे पा मा पा मानी पानी पासा नी सा नी रे सारे सामा नी सा नी रे पानी पासा नी मानी भी मानी पा सारे सामा सारे मा पानी सारे मारे सानी पा मानी सारे। यही थी तान। फिर गा लीजिए एक बार, फिर देखिए सही था क्या वो। सारे मारे रे मा पा मा मा बने सारे सामा रे एक साथ एक साथ। वो लोग गा रहे होंगे तुम डिस्टर्ब कर दोगे। फिर चालू करो। सारे सामा रे मारे पा मा पा मानी पानी पासा नी सा नी रे सारे सामा नी सा नी रे पानी पासा मा पा मानी रे मारे पा सारे सा सारे मा पा नी सारे सा नी पा मारे सा। हाँ, चलिए फिर से एक बार, फिर गा लीजिए। सारे सामा रे मारे पा मा पा मानी सारे सामा ठीक है। सारे सामा नी सा नी रे पा नी पा सा मा पा मा नी रे मा रे पा सारे सा सारे मा पा नी सा रे रे सा नी पा मा रे सा। चलो। सारे सामा रे मा रे पा मा पा मा नी पा नी पा नी सा नी रे सारे सामा नी सा नी रे पा नी पा सा मा पा मा नी रे मा रे पा सारे सा सारे मा पा नी सा रे रे सा नी पा मा रे मा रे सा। या रेसा नी सा कर लो जो आपको जम रहा। यही ना बेटा साक्षी, साक्षी हमारी बहुत साक्षी विजेता, ये लोग एक्सपर्ट हैं तान में, और भी लोग होंगे ये मेरे पैटर्न को जानते हैं। फिर गा लो एक बार।
सारे सामारे म वर्षा पानी पासा निशा निरे सारे सामा सारे सामा निशा निरे पानी पासा मा पा मानी रे मारे पसारे साम सारे मा पानी सारे रे सने पा मारे मारे सा बढ़िया यही रखिए फिर चालू करो सारे सामारे मारे पा मा पा मानी पानी पासा निशा नि सारे सामा सारे सामा निशा निरे पानी पासा मा पा मानी रे मारे पसारे साम सारे मा पानी सारे रे सानी पा मारे मारे सा कुछ एक स्वर नीचे गलत होगा तो अलग होगा। अब ये कल हमने गाया था तो आज तैयार हो नहीं हुआ है, इसको महीने दो महीने जब आप गाएंगे तब जाकर वो आपके कब्जे में आ जाएगा वो टुकड़ा। फिर चालू करो समझ में आ गया, एक पल्ला वो और एक पल्ला ये मिलाइए इसको पूरे दोनों पल्ले को गाइए मिलाकर। चलो सारे सारे मा पा नी नी पा मा रे मा रे सा नी रे सा नी नी पा नी नी पा नी नी पा मा रे मा रे सा नी सारे मा पा नी सा नी पा रे मा रे सा नी रे सा सा नी सा नी सा नी पा मा रे मा पा मा रे मा रे सा रे मा पा मा पा नी सा रे रे सा नी रे मा रे सा नी रे सा रे रे सा रे रे सा रे रे सा नी पा मा रे मा रे सा नमस्ते 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 रे मा सारे जी नमस्ते सारे सामा रे मारे पमा पमानी पानी पसा नी सा नी रे सारे सामा नी सा नी रे पानी पसा मा पमानी रे मारे पसारे सा सारे मा पानी सा रे रे सा नी पमा रे सारे सारे मा पानी सारे मा क्या ले सारे मा पानी सारे रे सानी पा मारे मारे बस ठीक है एकदम ठीक है एकदम ठीक है। विपिन जी नमस्ते विपिन जी नमस्ते, कोशिश कर रहा हूँ। चलो शुरू करो, ये मैं और यश यहाँ पर लगभग 45-50 दिन से गा रहे हैं और मेरे साथ पूरे दुनिया से बैठकर लोग बाग संगीत का रियाज क्या होता है रियाज एक डेढ़ घंटे का हो चुका है और उसके बाद जब पलटा तैयार किया जाता है तो उस पर कैसे काम करते हैं इस पर हम अपना काम कर रहे हैं। चालू करो सारे मा पा नी नी पा मा रे सा नी रे सा नी रे पा नी नी पा नी नी पा मा रे मा रे सा रे मा पा नी सा नी पा रे मा रे सा नी रे सा नी सा नी पा मा रे मा पा मा रे मा रे मा पा नी सा रे सा नी रे मा रे सा नी रे सा रे सा रे सा रे सा नी पा मा रे मा रे रे मा पा नी सा रे मा रे सा नी पा मा रे सा रे मा सा रे नी सा पा नी मा पा रे मा सा रे सा रे सा रे सा मा रे मा रे पा मा पा मा नी पा नी पा नी सा नी रे सा रे सा मा नी सा नी रे पा नी पा सा मा पा मा नी रे मा रे पा सा रे सा रे मा पा नी सा रे सा नी पा मा रे मा रे सा। ऐसा भी गा सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सारे मा पा नी सा नी पा क्या लिखा है मा पा नी सा नी पा रे मा रे सा मा पा नी सा नी पा रे मा रे सा। नहीं ये मात्राएं कम पड़ रही है, वहां मात्राएं कम पड़ रही है, अपन ताल के साथ गाएंगे तो और देखते हैं क्या हो सकता है। एक टुकड़ा और लिया था, एक टुकड़ा और था सारे सारे रे मा रे का, एक टुकड़ा इसके बाद एक और लिया था ना अपन ने, वो कौन सा टुकड़ा था सारे सारे पानी पानी नीजा नीजा सारे सारे सानी सानी पानी पमा पमा रे मा सारे मा पानी पानी पमा रे मा चालू करो पानी पमा चालू करो सारे सारे रे मा रे मा मा पमा पा पानी पानी नीजा नीजा सारे नीजा नी पानी पमा पमा सानी पमा रे मा रे सा सानी पमा रे मा रे सा सानी पमा रे मा रे सा। चलो फिर से चालू करो सारे सारे रे मा रे मा मा पा मा पा पानी पानी नीजा नीजा सारे सारे सानी सानी पानी पा मा पा सानी पा मा रे मा रे सा सानी पा मा रे मा रे सा सानी पा मा रे मा रे सा। हाँ फिर से गा लो एक बार सारे सारे रे मा रे मा मा पा मा पा पानी पानी नीजा नीजा सारे 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 सानी सानी पानी पा मा पा मा रे मा रे फिर से सानी पा मा रे अभी वो तबला जब से गाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा बेसिक बेसिक तान यही है। फिर चालू करो
सारे सारे रे मरे मामा पामा पानी पानी निजा निजा गारे सारे सानी सानी पानी पामा पामरे सानी पामरे मरे सानी पामरे मरे सानी पामरे मरे। इतना अपन ने किया था, इतने इतने पलटे, ये एक दो दिन में तैयार होने वाली चीज नहीं है। अब इसको आपको महीनों जब आप घोटेंगे तब आपकी समझ में वो पूरा सिस्टम आ जाएगा। बंदिश गाते हैं और ये ताने जो अपन ने हैं कैसे उसको गाया जा सकता है उस पर काम करते हैं। स्पीड कम रखो बस। हाँ, और ये जो मेरे और यश के बीच की वार्तालाप चल रही है ये आप अपने आप से भी कर सकते हैं। कैसे कि वो रियाज में गलतियां होंगी होंगी, हम भूलेंगे ही भूलेंगे क्योंकि हम रियाज करने के लिए बैठे हैं। रियाज में गलती होना स्वाभाविक है, जो भी हो रहा है वो स्वाभाविक है, कोई भी बनावटी नहीं है, कुछ सोचा हुआ नहीं है। जैसे जैसे हम करते हैं रियाज में सेम वैसा वैसा ही आपके सामने कर रहे हैं। चलिए सावरिया घर नहीं आई रतिया रतियामल इशारे रतिया पिताई तरफ चाहिए। ये फिर से कहा पूरा स्थाई। चलो नमस्ते मयंक जी। या घर नहीं आए ओ सावरिया घर नहीं आए रतिया। मजा लगेगा ये तबले के साथ। फिर से रतिया पिताई तरफ तसार उसके अंदर घुस पाएंगे बंदी के। चुका नहीं भाव जय हो सावरिया
करो सांत्रा, फिर से दो चार बार अंतरा गा लीजिए, उसके अंदर जाइए बंदिश के अंदर। गाते रहिए बार एक बैठक में होना ही चाहिए। अब लय बढ़ाई थोड़ी सी, दस पांच दो चार बार वो उसमें गा के देखिए, बस 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 करो बड़ी, ठीक है चलो चलने दो चलने दो। चलिए ओ सावरिया घर नहीं आए, ओ सावरिया फिर गालो। सावरिया बैठे हैं आज सामने, आज आए हैं 50 दिन में, ऋषि है ना ये, 50 दिन में आज दर्शन देने आए हो महाराज, क्या कर रहे हो यार, कौन सी दुनिया, फोन भी नहीं उठाया तुमने हमारा, तुम्हारे को फोन लगाया था हमने। जम जाएगी बंदिश को। सावरिया या घर ये बात
साथ चलिए। आए हो सावरिया घर नहीं आए रतिया पिताई तरफ तसारी रतिया पिताई तरफ तसारी पुन बीन रोवत रोवत पुन बीन रोवत रोवत ये बात है। सावरिया घर नहीं आए ओ सावरिया घर नहीं आ चलो सावरिया घर नहीं फिर से ओ सावरिया घर नहीं फिर गालो आए एक्शन है सावरिया क्या कर रहे फिर से ओ सावरिया घर नहीं एक बार और ओ सावरिया घर नहीं आई रतिया पिताई तरफ तसारी रतिया पिताई दीपू भैया जान कछुक नहीं भावत सावरिया ये बात कर नहीं चलो तान ओ सावरिया सारे मा बनी नी पा मरे मरे सानी सावरिया सावरिया लो केवल सारे मा बनी नी पा मरे मरे सानी वो नहीं चाहिए सारे मा बनी नी पा मरे मरे सानी रे सा सावरिया मुखड़ा पकड़ने का मजा देखो सावरिया आकार गाओ सावरिया सावरिया अलग अलग मुखा बनाइए उसका आकार गाओ सागितान सारे बाबा नी जानी बने मरे जानी से सावरिया से सारे बाबा नी जानी बने मरे जानी रे सा सावरिया से ले लो क्या कहने की बात है बने मरे जानी रे सावरिया सानी 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 पमरे मपमरे सावरिया से सानी 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 पमरे मपमरे मरे सावरिया आकार आ सावरिया से आ सावरिया आगे बढ़ो मपनी सारे रे सानी रे मरे सानी रे सा सावरिया से सावरिया क्या कहने की बात रे रे सा रे रे सा रे रे सानी पमरे मरे सा सावरिया रे रे सा रे रे सा रे रे सानी पमरे मरे सा सावरिया आकाश रा आ सरसे
सावरिया घर नहीं, मध्यम की तान, ओ सावरिया सारे मा बनी सारे मारे सानी बमरे साल सावरिया क्या कहने की बात सारे मा बनी सारे मारे सानी बमरे सावरिया हाँ सच है सारे मा बनी सारे मारे सानी बमरे सावरिया आकार लो सावरिया एक बार और सारे निशा रे मसारे निशा पानी माँ पर रे मसारे निशा सावरिया फिर से रे मसारे निशा पानी माँ पर रे मसारे निशा सावरिया फिर से रे मसारे निशा पानी माँ पर रे मसारे निशा आकार चलो आ सावरिया घर नहीं आए सारे सामने मरे पमा पमानी पानी पासा निशा नीरे सारे सामने निशानी रे पानी पासा मा पमानी रे मरे पसारे सारे मा पानी सारे रे सानी पमरे मरे सावरिया क्या कहने की बात है चलिए सारे बाबा नी सारे रे सानी पमरे मरे सा सावरिया क्या बात है फिर से लिखिए एक बार और अच्छा सारे सामने मने पमा बाबा नी पानी बासा नी सारे रे सारे सारे सामने सारे रे पानी बासा बाबा मानी रे मरे सारे बाबा नी सारे रे सानी पमरे मरे सावरिया आकार चलो हर नहीं नमस्ते रटो स्थान को सारे सामा रे मरे पमा पमानी पानी पासा नीजा नीरे सारे
सारे सामा निजा नि रे पानी पसा मा पमा नि रे मरे प सारे सामा सारे मा बनी जा रे रे सानी प मरे मरे सा सावरी हां स्वर में गाओ यश देखो सारे के एक एक नोट ध्यान रखा करो जो नोट तान का गाना है वो और वहाँ गैप लो पूरा ऊपर सारे सामा के बाद में पिया घर नहीं ऐसे डांट की पड़ती कभी कभी छोड़ो यहाँ पर देखो सारे सामा लास्ट पूरा टुकड़ा चाहिए कहीं छूटा नहीं कोई स्वर छूटना नहीं चाहिए रखिए आप लोग भी मजा लो मापा मानी पानी पसा नीसा नीरे सारे सा सारे सामा नीसा नीरे पानी पसा मापा मानी रे मरे प सारे सामा सारे मापा नीसा रे रे सानी प मरे मरे सा साबर रटो फिर से रटिए क्या नाम है मोना रटिए क्या नाम है थोड़ा ऊपर थोड़ो यहाँ सारे सामा बोला बेटा स्वर छूट जाता है वहाँ पर ध्यान दो उसको नहीं निकलता है कहाँ निकलेगा देखो सावरिया घर नहीं सुनो सारे सामा रे मरे पमा पमानी पानी पसा नीसा नीरे सारे सामा नीसा नीरे पानी पसा मा पमानी रे मरे प सारे सामा सारे मा पानी सारे रे सानी पमा रे मरे सा सावरिया काम ही नहीं है बेटा नाराज मत हो छोड़ने का क्या काम है अपन गलती नहीं छोड़ रहे गलत कर रहे अपनी गलती सुधारो ये चाहिए ये इस तोड़ने का मजा है तान का बेटा सावरिया फिर गाओ बैठिए यश के बाने से गा डालिए आपके सबके हिस्से की डाटिए खा रहा है नीजा नीरे पानी पासा मापा मानी रे मरे पा सारे सामा सारे मापा नीजा रे रे सानी पा मरे मरे सा सावरिया वो तान है अगर तान तान में कोई स्वर छूटेगा ना तो फिर वो लंगड़ी तान कहलाएगी आप अपने को लग रहा है हमने गाली है लेकिन जो सुन रहे होंगे उनको लगेगा कि कुछ अधूरा पन सा लग रहा है इसलिए एक नोट पूरा बराबर रहना चाहिए उसे फोकस करके प्रैक्टिस किया करो बेटा समझ रहे हो मेरी बात को नहीं मुझसे बोला करो समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो घर नहीं चलो फिर से सारे सामा रे मरे पमा पमानी पानी पसा नीजा नीरे सारे सामा नीजा नीरे पानी पसा मा पमानी रे मरे प सारे सामा सारे मा पानी सा रे रे सानी प मरे मरे सा सावरिया फिर से रटो पक्का करो इसको चला बेटा पूजा छोड़ देते हो स्वर बेटा छोड़ देते हो कंट्रोल करो उसको धा तिन तिन सा साबरी रटो फिर से गलती होना नहीं चाहिए रटिए सब लोग कभी कभी अड़ जाता है कुछ गला भी सारे सामा नीसा नीरे पानी पासा मापा मानी रे मरे प सारे सामा सारे मापा नीसा रे साबरी हाँ कोई बात नहीं फिर से रटिए रटिए सारे सामा का मन नहीं लेते हो तुम फिर से सावरिया नहीं चाहिए उठने नहीं दूंगा जब तक वो तान आएगी अब ध्यान रखिए मापा मानी रे मरे प सारे सा सारे मापा नी सा रे रे सा नी प मरे मरे सा सावरिया थोड़ो बेटा थोड़ो सही आएगा कोशिश करो सारे सामा रे मरे प मापा मानी पानी बाजा नीसा नीरे सारे सामा नीसा नीरे पानी बाजा उस तान गाने का मजा ही अलग हो जाता है सारे मापा नी सा रे रे सा नी प मरे मरे सा उस तोड़ने के बाद उस तान गाने का मजा है बेटा देखो फिर कोशिश करो तो क्या मजा है उस वापसी लौटने का मजा लिखेगा उस लौटने को नीजा नीरे सारे सामा नीजा नीरे पानी बसा मापा मानी रे मरे पसारे साम सारे मापा नीजा रे रे सानी पा मरे मरे सा सावरिया घर में ना इसको मजा नहीं है गाते रहो मजा लिखेगा बेटा मजा लिखेगा लोग जो गाते हैं ना स्टेज पर ध्यान नहीं देते आ करते रहते हैं
इसलिए उनका गाना अधूरा और अंदर तक नहीं जाता है वो। इसलिए हमको एक एक नोट को समझ के गाना है बेटा, अगर लोगों को अंदर तक राज करना है हमको तो। हाँ चलो, सावरिया घर नहीं आए, सावरिया घर कौन है? चंद्रवेश यादव। चलो चलो चलो, सावरिया घर नहीं। चलो फिर से, सारे सामा रे मरे पमा पमा नी पानी पसा नी जा नी रे, सारे सामा नी जा नी रे पानी पसा मा पमा नी रे मरे पसारे सामा सारे मा पानी जा रे रे जा नी पमा रे मरे सावरिया। वो तान आने के बाद आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो सही होगी। आप कहेंगे कि अपने आप से कहेंगे, आपका दिल कहेगा क्या बात है, वो चाहिए, तब तक तान तैयार होना चाहिए। चलो फिर से, सावरिया मेहनत करो बेटा, मेहनत करो, ध्यान दो उसको। सारे सामा रे मरे पमा पमा नी पानी पसा नीजा नी रे, सारे सामा नीजा नी रे पानी पसा मा पमा नी रे मरे पसारे सामा सारे मा पानी जा रे रे सा नी पमा रे मरे सावरिया। आकार चला था, कहीं तोड़ना जा मैंने कहा है, उसका लिखे गाओ। ये चाहिए, फिर गाइए। ये बात है, फिर से ऐसा आना चाहिए बेटा, ऐसा आना चाहिए बेटा, एक एक स्वर। अरे यार हटो उसको, कौन है या घर नहीं। ऐसे तानों को रटना पड़ेगा एक एक नोट समझते हुए। जयेश आपके लिए गलती कर रहा है, बहुत अच्छा, आपके समझने के लिए हो गया है वो। एक बार गा के खत्म करते हैं। सावरिया घर नहीं आए, कोई बात नहीं, कोई बात, फिर से सावरिया, फिर से उठाइएगा। हजारों बार गाना पड़ता है तब जाकर वो गलती समझकर। चाहिए मुझे, ध्यान रखो, फिर से डटो। नमस्ते विवेक जी, सावरिया फिर से घर स्वर में गालो एक बार, वही तोड़ना जहां मैंने कहा है। सावरिया घर सेकंड दान आए, सारे सारे रे मरे मा पा पानी पानी नीजा नीजा सारे 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 सा नीजा नी पानी पा मा पा सानी पा मरे मरे सा सानी पा मरे मरे सा सानी पा मरे मरे सा सावरिया। गाइए, मरे मा पा पानी पानी नीजा नीजा सारे 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 सा नीजा नी पानी पा मा पा। याद रखो बेटा, सावरी सा सावरिया घर, कोई बात नहीं, याद चलता है। मरे मा पा पानी पानी नीजा नीजा सारे 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 सा नीजा नी पानी पा मा पा मा सा नी पा मरे मरे सा सा नी पा मरे मरे सा नी पा मरे मरे सा सावरिया घर। एक बार और गा लो, एंड करते हैं। सारे सा नीजा नी पानी पा मा पा मा सा नी पा मरे मरे सा नी पा मरे मरे सा नी पा मरे मरे सा सावरिया। सा नी पा मरे मरे सा के तीन बार के पलटे को, टुकड़े को अलग अलग भाव से गाइए, देखो क्या मजा है उसमें। सावरिया घर, आवाज सॉफ्ट कर गा तीसरी बार। चलो, सारे सारे
रे रे मा रे मा मा पा मा पा पा नी पा नी नी सा नी सा सा रे सा रे सा रे सा नी सा नी पा नी पा मा पा मा सा नी पा मा रे मा नी सा नी पा मा रे मा रे सा नी पा मा रे मा रे सा सा बरिया घर नहीं आए सा बरिया घर नहीं आए सारे सारे रे मरे मा मा पा मा पा पानी पानी नी जा नी जा सारे 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 सानी सानी पानी पा मा पा सानी पा मरे मरे सा सानी पा मरे मरे सा सानी पा मरे मरे सा सावरिया चलो सारे सारे रे मरे मा मा पा मा पा पानी पानी नी जा नी जा सारे 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 सानी सानी पानी पा मा पा सानी पा मरे मरे सा सानी पा मरे मरे सा सानी पा मरे मरे सा सावरिया घर नहीं आए एक बार लास्ट एक बार होगा घर नहीं आए करिए आए हो सावरिया घर नहीं मेरी बात समझ में आई ना एक एक स्वर एक्यूरेट चाहिए कहाँ तोड़ना ये सोच कर गाइए और हर चीज को मजा लेकर गाइए तभी रियाज करने का मतलब होगा बेटा ये सभी लोगों के लिए है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और जब तक वो तान एक तान पर गाड़ी अटक गई है जब तक वो सही ना हो पाए आगे मत बढ़िए जब तक एक चीज नहीं आएगी हमको तब तक सेकंड चीज हमको नहीं आती है वाह 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 आज की कल असलम भाई ने क्या क्या बातें कही हैं मैं अक्सर कहता हूँ मैं बहुत कम कहता हूँ खाना खराब कि जिसको सुनने के बाद में कुछ करने का मन ना हो ऐसा ऐसा खाना खराब ऐसी खाना खराब शायरी मैंने कहा ना कि खुदा खुद आ गया था कल इससे बढ़कर खाना खराब और क्या चीज़ हो सकती है ऐसे जीवन में बहुत कम मौके आते हैं आप पता नहीं क्यों 150-200 लोग ऐसे अनुभव जो जीवन में कभी नहीं मिलने वाले हैं कभी नहीं मिल सकते आपको लोग नहीं आते हैं कुछ लोग क्या सोच लेते हैं अपनी अपनी नीति मैंने हमेशा कहा है कि अपने अपने परिणाम आपको हम सबको अपने अपने परिणाम भुगतना पड़ते हैं कोई बात नहीं तो आज फिर से आइए आज कौन है निखिल बड़ोदिया जी आज इंदौर से हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत ही मेलोडियस सितार बजाते हैं बहुत मीठा बजाते हैं वो विमलेंदु मुखर्जी यानी बुद्धादित्य मुखर्जी इनका नाम है अगर आप सितार सुनते हो तो बुद्धादित्य मुखर्जी एक बहुत बड़ा नाम है सितार के मामले में उनके पिताजी विमलेंदु मुखर्जी हैं उनसे सीखे हैं निखिल बड़ोदिया जी बहुत ही अच्छा बजाते हैं तो आज की रात की महफिल सितार के साथ होगी और अपने अपने दैनिक कार्य धीरे धीरे होना चालू हो गए हैं तो हम कल सुबह दोबारा मिलेंगे लेकिन आदत डालिए कि अब जो बीमारी का डर जो हमको आज से 50 दिन पहले था वो हमने अपने रियाज से उसको दूर कर दिया है और हम समझ गए हैं कि हमको जीना कैसे है तो मैं और आप इस बात को साथ में बैठकर समझ पाए हैं मैंने कोशिश की है कि आपको उससे बाहर निकाल के पिछले 40-45 दिन से लोग लगभग 12 घंटे संगीत 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 में ही मग्न रहे हैं तो और अब पॉजिटिव ऊर्जा से हम भर गए हैं तो 2 दिन बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो अपने अपने दैनिक कार्यक्रम में हम और आप लगेंगे ये जो क्लास चल रहा है मैंने आपसे कहा है कि यूट्यूब चैनल पर जैसे ही 1000 लोग होंगे हम शाम का क्लास चालू करेंगे पता नहीं क्यों वो 1000 लोग नहीं हो पा रहे हैं शायद ऊपर वाला चाह रहा है कि अभी थोड़ा सा और देर बाद उसको चालू किया जाए जैसी हरी इच्छा लेकिन जैसे ही 1000 चालू होंगे हो जाएंगे यूट्यूब चैनल पर 200 करीब बच गए हैं मेरे ख्याल से लोग हमेशा कहता हूँ मैंने कहना बंद कर दिया है जैसे जिसको जमेगा वैसे वैसे हम उसको अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो हम शाम का क्लास चालू कर पाएंगे महफिल आज शाम की है असलम भाई
जो पहली सीढ़ी से शुरू किया था वो असलम भाई तक हम पहुंच गए हैं, और आज बड़ोदिया जी हमारे साथ में हैं। आपका आज की रात की महफिल में बहुत 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 स्नेह के साथ आमंत्रण है। जितने लोग हम लोग क्लास लेते हैं कम से कम उतने लोग ही आ जाएं, उसको वॉच पार्टी में डालते रहें। तो कल असलम भाई को सुनने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग, तो परसों साधु को सुनने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग थे, तो वॉच पार्टी में डालेंगे तो आप अपने अपने परिचितों में जो आपके पहचान के लोग अच्छे अच्छे होंगे वो सुनने आएंगे और समझेंगे कि संगीत को ऐसे भी जिया जा सकता है। केवल स्टेज पर गाने से ही गाना बजाना नहीं जिया जाता है, रियाज से गाने को जीना जीना सिखाता है रियाज हमको। आइए हम कल फिर दोबारा मिलते हैं, उसके पहले आज रात की महफिल। जय हो।